पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करने की कोशिश में जुटा हुआ है। अब पाकिस्तान को लेकर भारत ने एक ऐसा अहम फैसला लिया है जिसके अमल में आने के बाद कंगाले की कगार पर पहुंच चुके पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल हालात पैदा होने वाले हैं। दाने दाने के लिए पाकिस्तान मोहताज हो सकता है। भारत ने फैसला लिया है कि सिंधु जल समझौते के तहत अभी तक जो अपने हिस्से का पानी जो पाकिस्तान जाने दे रहा था भारत, अब वो उस पानी को रोकेगा और अपने ही देश में उस पानी का इस्तेमाल करेगा। यहाँ आंकड़ों के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संधि क्या है और इसके जो फैसला इसको लेकर भारत सरकार ने लिया है उसके कितने दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। 19 सितंबर 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसे नाम दिया गया सिंधु जल संधि। इसके तहत इस समझौते के तहत भारत की 6 नदियों का 80% पानी पाकिस्तान में जाता है। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े हिस्से में सिंचाई और बाकी परियोजनाओं के लिए भारत की नदियों का पानी पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है। इसके साथ जो भारत की 6 नदियां हैं उसका महज 20% जो पानी है वो भारत इस्तेमाल कर रहा था और इस 20% हिस्सा जो कि भारत के पास था इसमें से भी काफ़ी पानी यानी कि काफ़ी जो पानी है वो पाकिस्तान जो भारत इस्तेमाल नहीं कर रहा था अपने हिस्से के पानी को वो भी पाकिस्तान में जाने दे रहा था। ऐसे में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा नुकसान इस फैसले की वजह से पाकिस्तान को हो सकता है। 1960 में जो भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल संधि हुई थी इसके मुताबिक 3-3 नदियां दोनों देशों के बीच बांटी गई थी जिसमें कि सिंधु, चेनाब और झेलम की जो नदियां थी वो पाकिस्तान के हिस्से में आई थी। इसके साथ ही रावी, व्यास और सतलुज की जो 3 नदियां हैं वो भारत के हिस्से में आई थी। अब जो फिलहाल जो भारत सरकार ने फैसला किया है कि रावी, व्यास और सतलुज का जो पानी है अपने हिस्से की 3 नदियों का पानी जो अभी तक वो इस्तेमाल नहीं कर रहा था और सालों से वही पानी जो है बहकर पाकिस्तान में वो जाने दे रहा था, अब वो पानी पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा जैसे राज्यों में सिंचाई के लिए और बाकी परियोजनाओं के लिए पानी इस्तेमाल होगा और इसके लिए भारत सरकार ने सख्त निर्देश दे दिए हैं। डैम बनाया जा रहा है, साथ ही बाकी योजनाओं पर तेजी से काम शुरू हो गया ताकि अब अपने हिस्से के पानी को भारत खुद इस्तेमाल करे। यानी कि अभी तक इस पानी के सहारे जो पाकिस्तान के अंदर सिंचाई हो रही थी, जो बाकी परियोजनाएं चल रही थी, बाकी ज़रूरतों के लिए पाकिस्तान जो भारत से आ रहे पानी का इस्तेमाल करता था, अब वो सीधे तौर पर बंद होने वाला है। यही नहीं, जो 3 और नदियाँ हैं जिसका पानी जो है जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया कि झेलम, सिंधु और जो चेनाब की जो 3 नदियां हैं वो भी जो नदियां हैं भारत से होकर ही पाकिस्तान जा रही है। यानी कि कुल मिलाकर इन 3 नदियों पर भी पूरी तरह से भारत सरकार का नियंत्रण है और भारत सरकार का नियंत्रण होने का मतलब साफ है कि इन नदियों के बहाव को भारत सरकार नियंत्रित कर सकती है। और ये जो 3 नदियां हैं इनका जो पानी पाकिस्तान जा रहा है बहुत सी पनबिजली योजनाएं उसके बलबूते वो चला रहा है, यानी कि बिजली की अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, साथ ही अपने पीने के पानी की, सिंचाई की, कृषि की, इन सभी ज़रूरतों के लिए अब पाकिस्तान एक तरह से पूरी तरह से या कहा जाए कि भारत सरकार की भारत की नदियों पर निर्भर है तो ये गलत नहीं होगा। और अब जो भारत सरकार का फैसला है जाहिर सी बात है कि जिस तरह से आतंकवाद को वो भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है, अब ना तो भारत अपने हिस्से के अतिरिक्त पानी को पाकिस्तान जाने देगा और जो बाकी नदियां हैं जो कि हैं तो पाकिस्तान के हिस्से में लेकिन क्योंकि वो भारत से होकर निकलती हैं अब उनके बहाव को भी नियंत्रित कर सकता है भारत। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो रेगिस्तान बन जाएगा, प्यासा मर जाएगा पाकिस्तान और यहाँ की बिजली योजनाएं, यहाँ के जो किसान हैं वो पूरी तरह से इसकी वजह से भुगतान करेंगे। नुकसान बहुत बड़े स्तर पर होगा पाकिस्तान का भारत के इस फैसले की वजह से। भले ही पाकिस्तान के जल संसाधन मंत्रालय की तरफ से बयान आ रहा है कि इस फैसले की वजह से कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है पाकिस्तान का, लेकिन हम आपको बता दें कि पहले से ही कंगाले की कगार पर है पाकिस्तान और बाकी देशों से वो आर्थिक मदद मांग रहा है और जो भारत का ये फैसला है इसके दूरगामी परिणाम होंगे ही होंगे क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में पानी का सबसे बड़ा योगदान होता है। और ऐसे में जाहिर सी बात है
कि भारत सरकार के इस कदम के जरिए एक बहुत बड़ा नुकसान अर्थव्यवस्था को पहुंचेगा पाकिस्तान की। और ऐसा कदम उठाने के लिए काफ़ी हद तक पाकिस्तान ने ही भारत को मजबूर किया है, क्योंकि सालों से भारत ने इस तरह का कदम नहीं उठाया है। लेकिन लगातार जो आतंकवाद को पाकिस्तान बढ़ावा दे रहा है, तो अब ये समय की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह का सख्त कदम भारत उठाए। नवोदय टाइम्स के अगर हमारे इस तरह के कार्यक्रम आपको पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।